हेलो फ्रेंड्स, आप हैं अपने ही यूट्यूब चैनल अनीताज ग्रीन ट्रेजर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ड्रेसिना को ग्रो करना बताऊंगी, किस तरह से इसे कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। बहुत ही आसानी से आप घर में ग्रो कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये एक इंडोर प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। देखिए इसकी लीव्स जो है पर्पल कलर की, बहुत ही सुंदर प्लांट है। इंडोर में जब आप ग्रो करेंगे तो देखेंगे, देखिए इसका लुक बहुत अच्छे से आता है। इस प्लांट को अगर बिल्कुल ही इंडोर में रखते हैं तो इसकी जो कलर का, मतलब जो लीफ का कलर है वो थोड़ा ग्रीनी होता है, ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा थोड़ा पर्पल होता है। लेकिन आप इसे हल्की सी, इसे थोड़ी थोड़ी धूप मिल जाए ऐसी जगह रखेंगे तो देखिए ये जब लीफ का कलर इस तरह से आता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्लांट है और ग्रो भी बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं वो हटा दी हैं और मैं आपको दिखाना ये चाहती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास इसकी ऐसी कटिंग मिले कि काफ़ी दूर तक इसकी लीफ नहीं है, सिर्फ डंडी है, तो उसकी 4 इंच की कटिंग भी, जहाँ लीफ नहीं है वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। देखिए मुझे जो कटिंग मिली है वो देखिए, इसमें लीफ अच्छी खासी हैं, पूरा इतना बड़ा है। और अगर आपको मिले सिर्फ इतना बड़ा जहाँ लीफ का एरिया नहीं है वो मिले, कि देखिए ये, देखिए इस तरह से ये, यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये आईज जो निकले यहीं से इनकी रूट जो नई नई ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है। तो आप सिर्फ स्टिक भी लगा सकते हैं और इस तरह से देखिए ये लीव्स के साथ भी लगा सकते हैं। इसको देखिए मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी कटिंग है, इतनी बड़ी कटिंग लगाना सही नहीं रहता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लीव हैं इसमें। प्लांट को बहुत ज़्यादा इन लीव्स को फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, तो इसलिए मैं आपको इसकी लीफ कम करके दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको ग्रो करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी ये जो देखिए लीफ हटा दी है। आप देखिए, मैं इनको आपको दो तरीके से लगा के बताऊँगी कि देखिए ये जो लीफ का एरिया नहीं है वहाँ से भी मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैंने इसको भी थोड़ा तिरछा काटा है, और देखिए ये, इसे भी मैंने क्या किया है, देखिए चाकू से ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा छील दिया है। और मैं देखिए इसको भी आपको चाकू से छील के बताती हूँ। ये देखिए हल्का हल्का सा मैं छील लेती हूँ यहाँ से, हल्का सा, सिर्फ जो है इसकी अपर स्किन हल्की सी करनी है, बस हल्की हल्की करनी है। इसकी जो थी बहुत हार्ड थी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। और देखिए इसको इस तरह से ग्रो करना है। ये देखिए मैंने सॉइल मिक्सचर पहले से ही तैयार कर लिया था, इसमें मैंने एक हिस्सा सैंड लिया, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा गार्डन सॉइल, और सभी को मैंने देखिए ये प्लास्टिक बोतल में भर लिया है। देखिए प्लास्टिक बोतल को काट के मैंने इसका कंटेनर बनाया हुआ है और इसमें मैं आपको कटिंग ग्रो करना बताऊँगी। देखिए इस तरह से होल ज़रूर करना है, जिससे जो कटिंग के जो टिश्यू हैं वो ख़राब ना हो। और देखिए इसके साथ ही मैं आपको, देखिए आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और दूसरी कटिंग मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, देखिए इसे मैं यहाँ लगा दूँगी। होल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें। और ये देखिए अच्छे से देखिए दबा देना है। और फ्रेंड्स, जो भी कंटेनर लें उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सेस वाटर है उसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो देखिए अब इसमें पानी लगा देना है। फ्रेंड्स, ये एक इंडोर प्लांट है, इंडोर में बहुत अच्छा चलता है, तो आप कटिंग लगाने के बाद भी इसे इंडोर में रखें। और जैसे मैंने बताया, इसकी कलर के लिए आप इसे सुबह सुबह की धूप आए ऐसी जगह रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जब आपने इसे कटिंग से जब आप ग्रो कर रहे हैं तो फ़िलहाल ऐसी जगह भी नहीं रखना, सिर्फ शेड में रखना है इसे जब तक इसकी ग्रोथ ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।